मोटिवेट करने वाले मिलेंगे। हाँ, थोड़ा ओवर में मरने आ गया। एक चीज बताओ मुझे, दंगे के चोट में मैं कहता हूँ, जब डीमोटिवेट करने वाले मिलते हैं ना, तो मेरे को उससे सवाल चीर बजती है, अरे भाई तेरा घर कैसे चल रहा है, ओला ओवर में काम नहीं है तो तेरा घर कैसे चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के एक नए वीडियो एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। मैं मदन अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। गाइस आज बहुत सारे चीजों पे चर्चा करेंगे। चर्चा ये है दोस्तों कि सबसे पहले मैं बात बता दूं कि मैं कल लेट नाइट पहुंचा था। लेट नाइट क्या मतलब, घर पहुंचा था करीबन, जो आप लोगों देखा कि 5-6 दिन में बाहर के रूट पे था और बाहर के रूट से लेट नाइट पहुंचा। तो सारे विषय में बात करेंगे, वो बात अलग है, टॉपिक कुछ और है, मैं उस पर पहले बात करता हूँ। टॉपिक ये है दोस्तों कि सभी बंदे ओला ओवर लाइन में आना चाहता है, ठीक है, ओला ओवर लाइन में आना चाहता है, तो ओला ओवर में गाड़ी चलाए कैसे, कैसे गाड़ी चलाए, किसकी गाड़ी ले, कौन सी गाड़ी ले, कहाँ कौन सी लोकेशन अच्छी है, बाहर काम करे, दिल्ली में काम करे, लोकल काम करे, वो सारी चीजें प्रॉब्लम आती है और हर बंदा कमेंट करता है। मुझे बड़े दुख होता है कि यार सामने वाला बहुत परेशान है। मतलब मैं अपने आप को एक महसूस करता हूँ इस चीज को, भाई मेरे लिए सभी जितने भी मेरे YouTube सब्सक्राइबर मेरी फैमिली है, और कोई बंदा मुझे फोन करता है तो 90% का 100% कोशिश रहता है कि सबका फोन मैं उठाऊं, और उठाता भी हूँ। और जिन भाइयों को ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये भी पता होगा कि जिसने फोन किया मैंने जरूर उठाया है, और रिप्लाई भी दिया, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो या कॉल के माध्यम से। तो आप लोग को मैं आपको बता दूं कि देखो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सिचुएशन ये है कि आप लोग जब काम करना चाहते हो ना, तो भाई मैं अभी भी कहता हूं कि आप लोग रेंट पे लेके काम करो, रेंट पे लेके काम करो, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीने जब चलाओगे ना, तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा बढ़िया वाला कि आप काम करने लायक हो या नहीं, ठीक है। जब आपको लग जाएगा आइडिया, फिर आप काम करोगे ना, तो फिर मजा ही कुछ और होगा, क्योंकि आप पिस चुके हो, आपको आइडिया लग गया। अगर नई गाड़ी इन्वेस्ट करते हो ना भाई, तो नई गाड़ी का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नई गाड़ी का मतलब ये होता है कि यार आपने 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया नई गाड़ी, और आपने मन नहीं मानी चलाने में, नहीं मजा आया काम करने में, तो फिर आपको दिक्कत ही हो सकती है यार। तो दिक्कत फिर आप गाड़ी बेचने जाओगे तो आपकी 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख वैल्यू लगाया जाएगा, तो वो चीज दिक्कत आएगी। इससे बड़ी आप रेंट पे गाड़ी ले लो, रेंट पे नहीं मिला तो आप सेकंड हैंड गाड़ी लेके भी काम कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप रीसेल करोगे तो आपको सेकंड हैंड का पैसा सेकंड हैंड के रेट में मिल जाएगा। अगर सपोज कर लो कि अगर 4 लाख की गाड़ी आपने ली है तो आपको 3.5 लाख रुपए मिल जाएगा, आपको 50,000 ही लॉस होगा। लेकिन अगर आपने नई गाड़ी लेकर के काम किया है तो अगर नहीं समझ आया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब आती है सबसे बड़ी बात कि यार गाड़ी ले कौन सी जिसकी बजट अच्छी हो। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो ओला ओवर टैक्सी की लाइन है, आपने 90% गाड़ियां देखा होगा मारुति की, मारुति इज बेस्ट कार, मारुति इज बेस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस, माइलेज, जितने भी आप उसकी कमी मतलब अच्छी गिना दो, बट एक चीज है कि सेफ्टी फीचर्स में इशू है। मैं ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज आप लोग ध्यान में रखते हुए काम करना है, क्योंकि सेफ्टी में टाटा महिंद्रा आगे है, बाकी मारुति पीछे है। सेटिंग में कल को कोई बात हो जाती है तो आप कैसे हैंडल करोगे, गाड़ी आपको कैसे जान बचा सकता है, लेकिन इसी में मारुति पीछे है, बाकी महिंद्रा टाटा आगे। अब आती बात वो सेफ्टी फीचर्स की बात नहीं, वो तो एक गाड़ी की रिव्यू हो गया, इससे पहले मैंने दिया है आपको आर्टिका का। अब आते हैं बात इस पे मुद्दे पे करते हैं कि मारुति की गाड़ी ले, देखो आपके सबसे बड़ी बात है बजट कौन सी है। अगर बजट आपको अच्छी खासी है, अगर आपको रूट पे काम करना है तो आप DR ले सकते हो, बाहर की रूट पे भी कर सकते हो, लोकल भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं लोकल चलाता हूं ना, अभी बाहर की रूट पे चला और लोकल चलाने की नौबत आ गई ना, तो अपने से ना नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करते कभी जरूर करने का काम, तो ऐसा भी होता है। तो सो गाइस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप पहले लोकल चलाओ, लोकल का कस्टमर का एक्सपीरियंस लेके आप काम करो, कस्टमर का एक्सपीरियंस लेके काम करो ना, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे कस्टमर मिलते हैं, कैसे पैसा हैंडल लेना है, कैसे कस्टमर को बिहेव करना है। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जितनी आप अपने आप को एक मतलब अपने आप को एक पेशेंस वाला व्यक्ति बनाते हो ना, तो इसका क्रेडिट ना आपको अच्छे तरीके से मिलने वाला, ऐसा मिलेगा कि आप समझ लो कि आपको जितने भी कस्टमर है ना, आपको एक फैमिली मेंबर लगेगा, जैसे मैंने बनाया है, अब बना रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे ओला ओवर में काम किया, आपने बोला सर कि आपको कभी बाहर जाना हो तो एक बार मुझे जरूर याद कीजिए,
शुरू शुरू में ना हर कंपनियां का आप एग्जांपल लगा देख लो कि आपको शुरू शुरू में कंपनी कम रेट देती है। आपको पता है जो भाई कहता है कि मैं 15 रुपए किलोमीटर लेता हूँ, 12 रुपए किलोमीटर लेता हूँ, वो मुझे प्रूफ दे दे कि 12 रुपए किलोमीटर कोई दे देता उसको, नहीं देगा। हाँ, लेकिन कंपनी को हम रेट ये देते हैं, जैसे कि कभी हम लोग को जाना पड़ता है कि 3,000 रुपए 250 किलोमीटर डीआर का रेट है, मतलब सारे मतलब ये 12 रुपए किलोमीटर, 12 × 24 = 36 हो गया, तो 12 रुपए किलोमीटर का इस हिसाब से रेट दिया जाता है दोस्तों। बट 12 रुपए किलोमीटर नहीं मिलता है, आप ये चीज दिमाग में बैठा लो, डीआर बैकग्राउंड के रेट में काम करता है, 10 रुपए किलोमीटर बैठता है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात बताओ, दिल्ली से हरिद्वार कितने किलोमीटर, 220, 200, ठीक है, पैसे कितने दिए जाते हैं, 2500 प्लस टोल, क्या गलत है आप बता दो। एक बंदे के भाई के कमेंट में आया था कि ये मदन भाई ना 5 रुपए 6 रुपए किलोमीटर काम करते हैं, उस भाई से मैं पूछना चाहता हूँ तुम कितने रुपए किलोमीटर काम करके आए हो 4 दिन में, और मैंने 4 दिन में कितने रुपए किलोमीटर करके आया, मेरे पास प्रूफ है, मैं 4 दिन में पता नहीं कितने की बिलिंग करके आया हूँ। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली से मसूरी गया, देहरादून से वापस दिल्ली आया, दिल्ली से वापस रुड़की गया, रुड़की गया फिर वहां पर सो गया रात, मतलब 4 दिन की रूट बता रहा हूँ, 27 को रात को निकला, 28, 29, 30, 1, 2 को मैं दिल्ली वापस आया, मतलब 5 तारीख लगभग 5 दिन लग गया, एक दिन तो मैंने रेस्ट लिया क्योंकि बॉडी दर्द हो रहा था, सो गया वहीं पे पूरे दिन सोया, तो वो दिन को मैं काउंट नहीं करता, 4 दिन में बताता हूँ कितने की बिलिंग की। रुड़की गया, रुड़की से फिर हरिद्वार गया, हरिद्वार से फिर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से वापस हरिद्वार, हरिद्वार से फिर ऋषिकेश, ऋषिकेश से फिर मसूरी, मसूरी से फिर दिल्ली, ये रूट बना। इस रूट को मैंने काउंट किया है, जो मैं बताता हूँ 30,000 रुपए से प्लस के काम किया है मैंने। अब किसी भाई को गणित लगाना है ना तो मेरे से व्हाट्सएप पे चैट करो, मैं आपको लिख के देता हूँ कि कितने के मैं टूर किया, कितना कैंसिल ड्यूटी में कितना लिया, और इस टूर के अंदर मतलब 30 से 35 हजार का जो टूर मैंने की है 4 दिन के अंदर, 30 से 35 हजार के टूर में मेरे पता कितने बचे, 18,000 रुपए मैंने बचाए है भाई, लेकिन गांड भी घिसी है। जो भाई ऐसा बोलता है ना बड़ा दुख होता है, लेकिन भाई हम दुख जाहिर नहीं कर सकते, मैंने अपने आप को घिसा है, पहिए गाड़ी घिसे है, दोहराया है, नींद खराब किया है, बगैर मेहनत के ना ऊपर वाला भी रोटी देने नहीं आएगा आपको, थोड़ा सा ये चीज दिमाग में बैठाओ भाई। जो बंदा ओला ओवर कर रहा है ना वो कभी इस बाहर की रोड पे नहीं कर सकता, मैं लिख के देता हूँ, मैंने ओला ओवर चलाया ना और मैं अभी का फर्क निकालता हूँ। कभी कभी आपको ना इतने कम रेट मिल जाएंगे कि आपको फंसे रहोगे तो आपको मजबूरी उठाना लेना पड़ेगा, लेकिन आपने ये दिमाग में लगाओ कि बंदा वहां से उठा करके यहाँ आया और यहाँ से दूसरी ड्यूटी मिल गई तो आपको कितना पैसा मिल गया। कल की बात बता रहा हूं, कल मैंने 4200 रुपए में ड्यूटी लेकर आया है देहरादून से गुड़गांव की, 4200 रुपए, कोई वेंडर दे के दिखा दे मैं मान जाऊंगा, देहरादून से गुड़गांव 4200 रुपए की ड्यूटी लेकर आया भाई, कोई वेंडर दे के दिखा दे मान जाऊंगा। पता है देहरादून की कितनी की ड्यूटी है फिक्स, दिल्ली से देहरादून 2500 प्लस टोल, 2800 प्लस टोल ऐसे देते लोग, स्टेट टैक्स नहीं मिलता। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि हम लोग को जब पड़ता है जो खाता है ना, हम कटवाते हैं ऑल इंडिया टैक्स, ठीक है, ऑल इंडिया जब टैक्स कटवाते हैं ना तो वो पड़ता है सस्ता, और हम किसी भी राज्य में हम जाके काम कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई कुछ दिक्कत नहीं होगी। जो बंदा डेली टैक्स कटवाएगा ना कि डेली आओ और डेली जाओ, वो नुकसान ही होगा। यूपी कटवाओगे 120 का एक दिन का है प्लस काटने वाला 30 रुपए लेगा, हरियाणा कटवाओगे 100 रुपए प्लस 20 रुपए काटने वाला लेगा, उत्तराखंड में कटवाओगे 220 प्लस 30 रुपए काटने वाला लेगा, तो कभी जिंदगी में आपको पड़ता नहीं खाने वाला भाई। तो ये सब चीजें हैं, खैर वो तो देखो काम की एक अलग मैटर, आप लोग को अपडेट देता ही हूँ, बट मेरा कहने का मतलब ओला ओवर की जो आदमी गाड़ी चलाना चाहता है वो बंदा इस तरीके से दे सकता है, या वैगनर ले ले, या सेलेरियो ले ले, या डीआर ले ले, लेकिन डीआर आउट स्टेशन भी कर सकते हो, लोकल भी कर सकते हो, लेकिन वैगनर पे नहीं कर सकते, वैगनर पे ड्यूटी जल्दी नहीं मिलती है बाहर की, क्योंकि जितने भी लोग कंफर्टेबल गाड़ी महसूस करते हैं, क्योंकि मैं जब सीट पे पीछे वाले बैठते हैं ना तो आराम से सोते हुए जाते हैं और हमें भी मजा आता चलाने में। ये चीज है, एक डीआर ऐसा गाड़ी है कि डीआर पे आपको हर काम मिलेगा, वैगनर के भी ले सकते हो, डीआर के भी ले सकते हो, और आपको एक कंफर्टेबल ड्राइवर ड्राइविंग भी करने मजा आएगा। लेकिन अटिका लेने का मतलब क्या होता है ना कि भाई कमर खोदनी अपनी, कमर खोदनी वाली बात हो गई कि 24 घंटे आप बाहर ही रहोगे,
घर पे नहीं बैठ सकता क्योंकि उसकी किस्तें ना 25,000 22,000 23,000 आती है। वैगनआर की 12,000 से 13,000, डीआर की 14,000 से 15,000 ऐसा रेट। अब डिपेंड क्या करता है कि आपको कौन सी गाड़ी की तरफ जाना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है आपके बजट। लेकिन मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सभी बंदा जो भी नया वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल पे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मेरे इन्फॉर्मेशन वीडियो वाली आती रहे। सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले रेंटेड चलाने की कोशिश करो कि आपको एक अपने आप को एक एक्सपीरियंस मिल जाए। एक्सपीरियंस मिलने का जब आप काम करते हो तो बहुत ही मजा आता है। इसलिए मजा आता है कि देखो आपने घिस के लिया भैया दूसरे गाड़ी पे, आपको एक्सपीरियंस मिल गया, आइडिया मिल गया कितना कमा सकते हो कितना कमा सकते हो। अगर आपका मन करे दिमाग करे तो इस लाइन में आओ, नहीं तो भैया इससे अलावा हटके भी आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे काम है। और मैं अपनी स्टोरी एक अलग वीडियो में बनाऊंगा कि मैंने अभी तक इस लाइन में क्यों रुका और क्या है, वो भी मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के दूंगा किस लिए मैं इस लाइन में आया, मैं क्या करता था और मैं क्या मेरी क्या हैसियत थी, क्या था और कहां से क्या आ गया, वो सारी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सो गाइस, आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली आप लोगों को मिल जाए। अब मैं आपको बता देता हूँ एक चीज और, जब आप आते हो ना तो आपको 75 तरह के ड्राइवर मोटिवेट डीमोटिवेट करने वाले मिलेंगे, समझ लो 75 तरह के ड्राइवर डीमोटिवेट करने वाले मिलेंगे, कहेंगे अरे कहां तू ओला और मरने आ गया। एक चीज बताओ मुझे डंके के चोट में, मैं कहता हूँ जब डीमोटिवेट करने वाले मिलते हैं ना तो मेरे को उससे सवाल चीर बचती है, अरे भाई तेरा घर कैसे चल रहा है, ओला और में काम नहीं है तो तेरा घर कैसे चल रहा है, मेरा कहने का मतलब है तेरा घर कैसे चल रहा है, तू भी तो कमा खा रहा है, रोटी तो खा रहा है या भूखे मर रहा है भाई। भाई डीमोटिवेट किसी को मत करो। और एक चीज मैंने देखा है लोगों के अंदर, जिस बंदे ने मना कर देना ओला और मत आओ वो बंदा 100% आता है, वो बंदा 100% आएगा, ये भी होता है। तो ये चीज आप लोग दिमाग में बैठा लो कि डीमोटिवेट नहीं करना किसी को, डीमोटिवेट नहीं होना है। जिसको भाई देख रोजी रोटी कमाना खाना वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और आना भी चाहिए क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो इस चीज को आप लोग गरिमा में ध्यान रखिए और किसी को डीमोटिवेट मत करिए। रास्ता सही बता दीजिए, काम करना ना करना उस पर डिपेंड करता, किसी का कोई हक का नहीं खा जाता, जिस ऊपर वाले ने दिया पेट दिया तो रास्ता सबको देगा भाई, ठीक है। अब रही बात की काम करने की, जिसको जो नौबत होगी वो काम करेगा, जिसकी जो बजट होगी उस हिसाब से काम करेगा, समझ रहे हो। बाकी रह गए भाई, आगे और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो अगली ब्लॉग में बताऊंगा, इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ क्योंकि बहुत ही लंबा ब्लॉग बन जाएगा, फिर हो जाएगी दिक्कत। तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही रहेगा, और आप लोगों को कैसा ब्लॉग लगा प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, लाइक कमेंट शेयर ये दबा के कर दो ताकि मेरी वीडियो सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक पहुंच जाए और किसी के झांसे में न पड़े। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, जय हिंद जय भारत।